नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लानेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि आप एक्सेल के किसी पर्टिकुलर सेल में इमेज को किस तरह से इंसर्ट करेंगे और उसके ऊपर फिल्टर को किस तरह से अप्लाई करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इमेज पर लुकअप किस तरह से सेट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इमेज लुकअप एक्सेल का एक बेहतरीन टेक्निक है जिसके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इमेज लुकअप के लिए हमें दो फंक्शंस यूज करने हैं, पहला फंक्शन इंडेक्स और दूसरा फंक्शन मैच। दोनों ही फॉर्मूला हम इमेज लुकअप के लिए काम में लेने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड हैं और इन रिकॉर्ड से मुझे इमेज लुकअप करवाना है। सपोज मैं किसी स्टूडेंट का नेम यहाँ पर टाइप करूँ और नेम टाइप करने पर मुझे उसका फोटोग्राफ यहाँ पर सेल में दिखाई देना चाहिए। यदि आप नेम से सर्च करना चाहें तो नेम से भी कर सकते हैं और रोल नंबर टाइप करना चाहें तो भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज़ किया है रोल नंबर के लिए और नेम के लिए। आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। 105 टाइप किया तो हमको मिला उस स्टूडेंट का फोटोग्राफ। इस तरह से हमें इमेज लुकअप को सेट करना है। पिक्चर लुकअप को समझने से पहले हम मैच फंक्शन को समझ लेते हैं। इक्वल टू मैच, आप मैच फंक्शन का यूज़ करेंगे तो सबसे पहला पैरामीटर है इसका लुकअप वैल्यू। हम कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, जैसे सपोज हम 102 फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये हमारी लुकअप वैल्यू। देन कोमा प्रेस करना है आपको और बाद में ये पूछ रहा है लुकअप एरे। ये जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है ये किस कॉलम में रखी हुई है, उस पूरे कॉलम को आप इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन कोमा, और फिर ये पूछ रहा है कि आपको एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखना है, लेस देन के लिए 1 और ग्रेटर देन के लिए -1। तो हमें यहाँ पर एग्जैक्ट मैच चाहिए इसलिए हम 0 टाइप करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे कि 102 जो है वो हमारा सेकंड रो में है। यहाँ पर देखिएगा आप, ये हमारी फर्स्ट रो, ये हमारी सेकंड रो, तो 102 आपको मिल रहा है सेकंड। तो मैच फंक्शन आपको उस लोकेशन, उस एड्रेस को रिटर्न करता है कि वो जो नंबर आपको फाइंड आउट करना है वो कहाँ पर रखा हुआ है। जैसे मैंने 105 यहाँ पर टाइप किया तो उसने मैच फंक्शन ने मुझे बताया कि वो फिफ्थ रो के अंदर 105 है। तो इस तरह से हम मैच फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं इंडेक्स फंक्शन की। इंडेक्स फंक्शन इक्वल टू इंडेक्स, जब हम इंडेक्स फंक्शन यूज़ करेंगे तो सबसे पहला इसमें आर्ग्यूमेंट है एरे। आपको पूरा डेटा इस तरह सेलेक्ट करना है, विदाउट हेडिंग्स को सेलेक्ट किए हुए आप पूरा डेटा सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन सेकेंड उसका आर्ग्यूमेंट है रो नंबर। अब हमारा जो रो नंबर है, जैसे फर्स्ट नेम हमारा है सीमा अमेटा, मैं इसकी लोकेशन निकालना चाहता हूँ कि ये किस लोकेशन पर है, तो हमें सबसे पहले रो नंबर देना है उसके बाद कॉलम नंबर देना है। तो रो नंबर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है 1 और कॉलम नंबर है हमारा 2। देखिएगा आप, 1 मीन्स ये फर्स्ट रो है हमारी और ये जो डेटा है सीमा अमेटा वाला वो कहाँ रखा हुआ है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम मैंने यहाँ पर पुट किया, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर कर दिया। तो आप देखेंगे कि उस एड्रेस पर जो रिकॉर्ड रखा हुआ था वो इंडेक्स फंक्शन ने हमारे सामने लाकर रख दिया है। दोस्तों, आपने देखा कि मैच फंक्शन और इंडेक्स फंक्शन किस तरह से काम करता है। लेकिन दोस्तों, जब ये दोनों फंक्शन एक साथ काम करते हैं तो वास्तव में ये एक्सेल में मैजिक का काम करते हैं और पिक्चर लुकअप में हम इन दोनों फंक्शंस को एक साथ यूज़ करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अब कि हम पिक्चर लुकअप किस तरह से क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम रोल नंबर के माध्यम से पिक्चर लुकअप सीखने वाले हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर रोल नंबर टाइप करना होगा। अब एक एक रोल नंबर या तो आप टाइप कीजिए या फिर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हमको जाना है डेटा टेप में। यहाँ आपको दिखाई देगा डेटा वैलिडेशन, जिसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करना है डेटा वैलिडेशन, और यहाँ आपको एनी वैल्यू की जगह पर यूज़ करना है लिस्ट। नीचे एक्सेल आपसे पूछ रहा है सोर्स, आपको सोर्स पे कर्सर रखना है और सारी रोल नंबर्स को सेलेक्ट कर लीजिएगा आप इस तरह से और ओके कर दीजिएगा। आप देखेंगे कि आपकी सारे रोल नंबर की वैल्यूज़ अब आपको इस बॉक्स में दिखाई देगी। आप 101 से 107 के बीच में कुछ भी नंबर आप यहाँ टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन आप उसके अलावा कोई भी नंबर टाइप करेंगे तो एक्सेल आपको एरर दिखाएगा। तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज़ करते हुए एक लिस्ट क्रिएट कर लीजिएगा और यहाँ हमको उस नंबर के अकॉर्डिंग, जो नंबर हम यहाँ टाइप करें उसके अकॉर्डिंग फ़ोटोग्राफ चाहिए, पिक्चर चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए हमें हमारी फ़ोटोग्राफ वाली सेल को सेलेक्ट करना है। याद रखिएगा, सेल को सेलेक्ट करना है, इमेज को नहीं।
सेल को सेलेक्ट कर लीजिएगा और होम टैब में आप इस पूरी सेल को कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर उसे पेस्ट करना है। कर्सर आप जहाँ फोटो लाना है उस सेल में रखिएगा और डायरेक्टली आपको पेस्ट नहीं करना है। पेस्ट ऑप्शन में जो अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं उसमें से लास्ट ऑप्शन हमको यूज़ करना है लिंक्ड पिक्चर, इस पर हमको क्लिक करना है। लिंक पिक्चर से होगा क्या, यदि आप इस इमेज को यहाँ से डिलीट करेंगे तो देखिए आप वो लिंक हो चुकी थी इसलिए यहाँ से भी डिलीट हो गई है। यदि आप ऊपर फॉर्मूला बार में देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है $C$2, इट मीन्स सी जो है वो हमारा कॉलम है और टू जो है यहाँ पर वो हमारे लिए रो है। यदि आप टू को चेंज करते हैं, टू की जगह थ्री करते हैं तो आप देखेंगे कि वो लिंक्ड पिक्चर थी इसलिए वो यहाँ पर जो नेक्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग पिक्चर है वो हमें यहाँ पर शो हो रही है। 3, 4 आप देखिएगा ऑटोमेटिकली पिक्चर चेंज हो रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम यहाँ पर रोल नंबर चेंज करें तो उसके अकॉर्डिंग हमारा फोटोग्राफ चेंज होना चाहिए। उसके लिए हमें इस पूरी सेल को इस तरह से सेलेक्ट करना है और फॉर्मूला में जाना है। फॉर्मूला टैब में जाने के बाद डिफाइन नेम, जैसे ही आप डिफाइन नेम पर क्लिक करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इस डायलॉग बॉक्स में हमें नेम रेंज बनानी है इसलिए इस सेल का हमें कोई नाम देना है। जैसे मैंने यहाँ पर नाम दे दिया सर्च, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने सर्च नाम दे दिया। नीचे आपको रेफर्स टू एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस टेक्स्ट बॉक्स में हमें हमारा फॉर्मूला पुट करना है। हमारा फॉर्मूला जो सबसे पहले हमें यूज़ करना है इंडेक्स फॉर्मूला। इंडेक्स फॉर्मूला में सबसे पहले हमें यूज़ करना है हमारी एरे, जो कि ये पिक्चर वाली एरे है। आप इसे पूरा इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा सारी पिक्चर्स को, ये हमारी एरे बन गई है। देन कोमा लगाना है और हमें यूज़ करना है मैच फंक्शन का, MATCH मैच, फिर ब्रैकेट स्टार्ट। देन मैच फंक्शन में सबसे पहला आर्ग्यूमेंट था लुकअप वैल्यू। अब वैल्यू हमें यहाँ से सेलेक्ट करनी है, रोल नंबर जो हमने टाइप किया है 105। देन कोमा प्रेस करना है और हमें बताना है कि ये 105 हमें कहाँ मिलने वाला है। तो ये 105 हमें रोल नंबर वाले कॉलम में मिलने वाला है, तो उसकी सारी वैल्यूज हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन फिर कोमा और एग्जैक्ट मैच के लिए हमें फिर से 0 प्रेस करना है। और इस पूरे फॉर्मूले में हमने दो फंक्शंस यूज़ किए हैं, इंडेक्स और मैच, इसलिए दो बार हमको ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। देन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है दोस्तों, यदि अब आप रोल नंबर चेंज करते हैं तो अभी इमेज चेंज नहीं हो रही है। देन फिर से आपको इस इमेज को सेलेक्ट करना है, ऊपर आपको दिखाई दे रहा है फॉर्मूला बार में $C$4, इसे आपको चेंज करना है। और हमने जो नेम रेंज बनाई है, जो नेम दिया था अभी, उस नेम को यहाँ पर आपको टाइप करना है। मैंने नेम दिया था सर्च, मैं सर्च को टाइप करूँगा देन एंटर प्रेस करूँगा। अब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। जब भी हम यहाँ पर कोई रोल नंबर चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग इमेज भी हमें चेंज होती हुई दिखाई देगी। आप रोल नंबर टाइप भी कर सकते हैं, 106 की जगह मैंने यहाँ टाइप कर दिया 101, आप देखेंगे कि इमेज चेंज हो रही है। ठीक यही चीज़ आप नेम के साथ भी कर सकते हैं, आप नेम टाइप करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग फोटोग्राफ चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि आप एक्सेल में किस तरह से पिक्चर लुकअप यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम इंडेक्स और मैच फंक्शन का यूज़ करेंगे। दोस्तों पिक्चर लुकअप के लिए इनडायरेक्ट रेफरेंसिंग एक मेथड और है, आने वाले वीडियोस में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यदि आप वो भी जानना चाहते हैं तो हम उसके ऊपर भी एक वीडियो आपके लिए पोस्ट कर देंगे। दोस्तों अभी तक आपने हमारे वी लुकअप और एच लुकअप वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें भी देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में उनका रेफरेंस लेकर कुछ वीडियोज़ और भी पोस्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।